नमस्कार, आज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एक टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों में से एक प्रकार है। तो आइए आज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द कंप्यूटर्स विच आर डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर्स जिनका डिज़ाइन कुछ ऐसे किया गया है कि उसको किसी एक टाइम पर कोई एक ही यूज़र चला सकता है, इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको किसी एक टाइम पर कोई एक ही इंसान चला सकता है, दो इंसान नहीं चला सकता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर PCs। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट्स CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सम सॉफ्टवेयर्स। माइक्रो कंप्यूटर में CPU होता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग का काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट यूनिट्स होते हैं जिसके द्वारा यूज़र माइक्रो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर में आउटपुट यूनिट्स भी होते हैं जिसके द्वारा माइक्रो कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, यानी माइक्रो कंप्यूटर में आप किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी रखता है ताकि माइक्रो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाया जा सके। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड लो इन कॉस्ट। माइक्रो कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होता है और इसका कॉस्ट भी बहुत ही लो होता है, यानी यह आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है। IBM PC बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्पल मैकिंटॉस नोटबुक आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर पर चलने वाली IBM PC माइक्रो कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा एप्पल मैकिंटॉस, जिसको अक्सर हम लोग नोटबुक के नाम से पुकारते हैं, वह भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अपने स्क्रीन पर आप जितने भी प्रकार के डिवाइसेस को देख रहे हैं, वो सारे डिवाइसेस माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ऑल दीज डिवाइसेस आर टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट, PDA एंड स्मार्टफोन्स, ऑल दीज डिवाइसेस आर माइक्रो कंप्यूटर्स। आइए अब हम इन्हीं टाइप्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है। द कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन ए डेस्क दैट इज टेबल एंड बी ऑपरेटेड इज नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी ऐसा कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल डेस्क यानी टेबल पर रखकर किया जाता है, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम के पीछे का राज भी जान लिया, क्योंकि इस कंप्यूटर को डेस्क या फिर टेबल पर रखकर चलाया जाता है, इसीलिए हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से पुकारते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर।
लैपटॉप कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है। लैपटॉप कंप्यूटर इज सिमिलर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, बट इट इज पोर्टेबल एंड इट कैन वर्क विदाउट प्लगिंग टू इलेक्ट्रिसिटी सीन्स इट हैज़ बैटरी टू स्टोर इट। लैपटॉप कंप्यूटर फंक्शनैलिटी के बेसिस पर बिल्कुल डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसे ही है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप जितने प्रकार के एक्टिविटी कर सकते हैं उन सारे एक्टिविटी को आप लैपटॉप कंप्यूटर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल है। पोर्टेबल उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। क्या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डिफ़िकल्ट है। जबकि लैपटॉप कंप्यूटर का वेट बहुत कम होता है, इसीलिए उसे हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर की दूसरी डिफरेंस यह है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकता है। अगर आपके घर में बिजली नहीं है तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, जबकि अगर आपके घर में बिजली ना हो तब भी आप लैपटॉप कंप्यूटर को चला सकते हैं अगर आपने उसके बैटरी को चार्ज करके रखा है। नेटबुक कंप्यूटर यह भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप है। इट इज़ अ स्मॉल लैपटॉप कंप्यूटर डिज़ाइंड मेनली फॉर यूजिंग इंटरनेट एंड ईमेल। यानी नेटबुक कंप्यूटर एक प्रकार का लैपटॉप कंप्यूटर है, ये लैपटॉप कंप्यूटर के जैसे ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन इंटरनेट चलाने और ईमेल करने के लिए ही किया गया है। मतलब इससे आप बेसिकली ईमेल करने और इंटरनेट चलाने जैसे काम को ही कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। लेकिन नेटबुक कंप्यूटर का डिज़ाइन ऐसा है कि वो सिर्फ इंटरनेट चलाने और ईमेल करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है। इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी लैपटॉप कंप्यूटर के जैसे ही इसको भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। दैट यूजेज टच स्क्रीन एज इट्स प्राइमरी इनपुट डिवाइस। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि टैबलेट कंप्यूटर में हम लोग उसके टच स्क्रीन को ही इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम स्टाइलस और पेन इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि टैबलेट कंप्यूटर में हम लोग स्टाइलस या डिजिटल पेन की मदद से डायरेक्टली उसके टच स्क्रीन के द्वारा ही इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन टैबलेट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA यह भी माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है। इट इज़ स्मॉलर वर्सन ऑफ टैबलेट विच वॉज इन मार्केट इन 90s। यह टैबलेट कंप्यूटर का ही स्मॉलर वर्सन है। आप इस फोटो को देखकर ही पता कर सकते हैं, जैसे कि
टैबलेट कंप्यूटर में भी उसके टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके इनपुट दिया जा सकता था किसी स्टाइलस या डिजिटल पेन की मदद से। वैसे ही PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में भी उसके टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके स्टाइलस या डिजिटल पेन की मदद से हम लोग इनपुट दे सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी मोबाइल ओल्ड, एप्पल्स न्यूटन सीरीज। ब्लैकबेरी मोबाइल का जो पुराना मॉडल आता था वह पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही था, और एप्पल न्यूटन का जो सीरीज आया था पुराने समय में यानी 90s में, वह भी PDA का ही एग्जाम्पल है। PDA अभी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। यह बेसिकली 1990 के दशक में 1990 से 1999 तक मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन यह आपको अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन, अब इसके बारे में कौन नहीं जानता है। स्मार्टफोन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, इस चीज़ से बहुत लोग वाकिफ नहीं होंगे। इट इज़ अ मल्टीपर्पस मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। स्मार्टफोन का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप यह बता सकते हैं कि स्मार्टफोन एक मल्टीपर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस है, मल्टीपर्पस मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। और स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। PDA टेक्नोलॉजी इज मर्ज्ड टू क्रिएट स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को बनाने के लिए PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि स्मार्टफोन में भी हम लोग टच स्क्रीन से ही डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं, जैसा कि PDA या फिर उससे पहले टैबलेट कंप्यूटर में दिया जाता था। तो आज हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया और साथ में उसके कुछ टाइप्स के बारे में भी जाना। हमारे अगले वीडियो में हम लोग मिनी कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।